फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। ये कच्चा दूध है, पका हुआ दूध नहीं है। आप चाहे तो पका दूध भी इसमें ले सकते हैं। तो ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध है। और 1 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम चावल लिए हैं। मेजरमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारी खीर अच्छी बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पर जो छोटे वाले चावल आते हैं, जो थोड़े सस्ते वाले खीर वाले चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर, ये इनको मैंने आधा एक घंटे पहले पानी में इस तरह से भिगो दिया है। आप देख सकती हैं ये अच्छे से फूल गए हैं। आप देख सकती हैं ये टूट भी रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं चावल। मैंने यहाँ पर ये 1 लीटर दूध के लिए ये मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है, यानी कि 100 ग्राम हमें इसमें चीनी लेनी है। मेजरमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आप चीनी कम ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये इलायची का पाउडर ले लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर ये थोड़े से बादाम ले लिए हैं। बादाम को मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पर ये पिस्ते ले लिए हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें ले सकते हैं, और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें से हटा भी सकते हैं। तो अभी हम दूध में अच्छे से बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए। और ये दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो अभी हम इसको एक स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इस तरह करने से दूध चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम इसको साइडों से भी मिक्स कर देते हैं। तो अब जो चावलों को लिया है, चावलों को भी इसमें हम डाल देते हैं। और चावलों को भी अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर स्लो रखेंगे, और स्लो फ्लेम पे हमें इस पूरी खीर को पकाना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो दूध हमारा बाहर भी निकल सकता है और जो हमारी खीर है वो तले में चिपक भी जाएगी। तो इस तरह से हम इसको हर एक 2 मिनट बाद बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो इस तरह से जब तक हम इसको पका लेते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद अभी हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी थिक होती जा रही है। तो इसी तरह से हमें इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाना है, जब तक हम इसको इसी तरह से बीच बीच में मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे। और ये यहाँ पर खीर को पकते पकते टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए खीर कितनी अच्छे से गाढ़ी होती जा रही है। आप देख सकती हैं इसमें चावल भी कितने अच्छे से फूल रहे हैं, यानी कि बहुत ही साफ साफ दिख रहे हैं चावल कि वो अच्छे से फूल गए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर किनारियों को इस तरह से करते हुए इसको चलाते हुए पका लिया है। और ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी सी भी होती जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती जा रही है। और मैं आपको चावलों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चावल भी कितने अच्छे से इसमें पक चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से चावल पक गए हैं। इसमें थोड़े से अभी कच्चे हैं और इसमें अच्छे से हाल ये गाढ़ापन भी आता जा रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो अब हम इसमें ये जो हमने चीनी ली है वो इसमें डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। जितनी चीनी आप खाते हैं उतनी चीनी आप इसमें डाल दें। तो इस तरह से मैंने चीनी को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। चीनी को भी इसमें अच्छे से मिला देते हैं। और साथ ही साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनमें से हम थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। थोड़े थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो इसमें से हम थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देते हैं, तो उनको भी अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना। तो ये देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पर चीनी ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए। और ये खीर को पकते पकते यहाँ पर टोटल मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 20 मिनट हो चुके हैं मुझे खीर को पकाते पकाते। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी की ये बनी है। बहुत ही अच्छा इसमें ये गाढ़ापन आया है। बहुत ही अच्छे से खीर बन के तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको जब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम खीर को इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसमें ये लास्ट में ये इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। तो इस तरह से अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को ऑफ करने के बाद अभी हम इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए कवर करके, ताकि ये खीर अभी और अच्छे से गाढ़ी हो जाए।
और ये यहाँ पर खीर को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और आप देख सकती हैं कितनी ही इसे गाढ़ी बनी है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी की बनके तैयार हुई है। आप देख सकती हैं कितनी ही गाढ़ी क्रीमी लग रही है, बिल्कुल रबड़ी के जैसी दिख रही है। तो अब हम इस खीर को एक बाउल में सर्व करेंगे। अब हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे, उसमें से हम थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। और ये देखिए, ये हमारी बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।